रोग है, आपके पित्त के कौन से रोग है, और केवल देखो ऐसे हाथ पकड़ के वैद्य बता देता है आपका वात बिगड़ा हुआ है, पित्त बिगड़ा हुआ है, कफ बिगड़ा हुआ है। तब बुखार कब से आ रहा है आपको, ठीक है, या पित्त संबंधी क्या रोग है आपको, या कफ संबंधी क्या रोग है, वो इस नाड़ी को देख के और चेहरे को देख के, आंखें देख के ये बता देगा आपको ये वाला रोग है, और इतने दिन से ये भी बता देगा। इस डायग्नोज किया इनका, क्या डायग्नोज किया इनका, हर्निया किसी उसने डायग्नोज किया, पहले बताया कि आपको ये हर्निया हो सकता है, किसने बताया, वैद्य ने बताया, वैद्य ने बताया, बाद में वो डॉक्टर ने डायग्नोज किया, लेकिन बहुत बाद में, उसके बीच में डॉक्टर ने इनके बहुत सारे दर्दों में क्या बताया, क्या क्या बताया, कौन कौन सा रोग बताया आपको उन दर्दों में, एंग्जायटी बताया, और कोलाइटिस क्या होता है, आंतों में जो सूजन आ जाती है ना, या जी 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 हाँ, और पित्त की थैली पथरी थी, अच्छा पित्त की थैली का ऑपरेशन कराया आपने, नहीं, और हर्निया का, मैं आपको पता है मैं आपकी वीडियो पहले से देख रही हूँ, तो मैंने मुझे संतुष्टि आपके पास आकर नहीं, मैंने तो देखो आपको चेक किया है, अभी तो आप 8-5 कराएंगे, लेकिन आप उसमें ठीक भी होंगे भैया, ये है हम एक तो ना कोई भी सरवाइव वैसे नहीं कर पा रहे, जैसे ये व्यापार करते हैं तो पता नहीं नजर दोष है क्या है, जो शरीर में तत्व भरा हुआ है जी, देखो एक सेकंड, ये इतना सा फर्श है, हम इसको पूरे दिन में बार बार सफाई करते रहते, पूछो क्यों, क्योंकि जो उड़के सामग्री चारों तरफ बिछती है उसको बार बार साफ करना पड़ता है, हम उस पर नहीं बैठ सकते ना, फिर हमारे अगर मान लिया हम बैठ भी गए हमारे सबके पैर काले हो जाएंगे, ठीक है बिल्कुल काले हो जाएंगे, वो हमारे चेहरों पे जमा रहेगा अगर हम कपड़े ना झाड़ेंगे तो, और फिर क्या होगा वो हमारे धीरे धीरे गर्दन में, गर्दन से नीचे अंदर भर जाएगा, और हम अगले दिन नहाएंगे तो हमारा इतना मैल झड़ेगा, है ना, आप गंदगी में रह कैसे सकते हैं मुझे ये बताइए, नहीं रह सकते ना, तो जब गंदगी घर में आ गई तो वो लक्ष्मी को खा जाएगी, क्या खा जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है घर में शैतान भी रहे और लक्ष्मी भी रहे, रह सकती है बताइए आप मुझे, और जब हमारी नाड़ियों में सूक्ष्म दोष आ गया, हमें मान लिया पितृदोष लग गया, आपको पितृदोष बताया होगा भैया ने, बताया ना, पितृदोष लग गया, पितृदोष का नाम ही क्यों आया, पितृदेव है दोष कहाँ है, लेकिन अगर दोष आया शब्द तो इसका मतलब कहीं से तो उत्पन्न हुआ ना वो शब्द, और वो इसलिए आया कि पितृ दूषित हो गया, दूषित का मतलब ये है कि पितृ प्रेत रूप में आ गया, यानी कि वो कष्ट में है, अब वो हमारे शरीर में रह गया उसका तत्व, ठीक है, उसकी एक कला हमारे शरीर में घुस गई, अब वो चाहती है अपना उद्धार करना, और वो किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से उद्धार करेगी जो भक्ति करेगा, सरल होगा, दूसरे की चुगली नहीं पीटेगा, नहीं, और जो सबको प्रेम करने वाला होगा, सहृदय होगा, सबकी बात मानने वाला भी होगा, या फिर अपनी बात प्रेम से मनवाने वाला भी होगा, आप लोगों की समझ में आ रहा है, तो पितृ दूषित है, अब पितृ को पोषित करना है, क्या करना है, पोषित करना है, अब ये देखे इससे ज्यादा त्वरित क्रिया क्या देखेंगे आप, इन्होंने माला पकड़ी, मैंने जप किया, और उस जप में इनके शरीर के दर्द कहाँ है ये बताइए, बताइए कहीं नहीं है, कहाँ गए वो दर्द, मैंने ये नहीं कहा अभी ये ठीक हुए हैं, क्योंकि जो दूषित है उसको एक दिन में ठीक भी नहीं किया जा सकता, राजा सगर की 60,000 संतानें जो है केवल पितरों का उद्धार करने में चली गई, हम क्या राजा सगर से हम आज क्या वो समय नहीं है जिसकी 60,000 पुत्र चले गए, तो कुछ तो हमारा भी जाना ही है ना, कुछ तो मेहनत लगेगी ही ना, क्या पता कब से है और कब से वो दूषित है और कब से हम क्या, हम देखिए जो पैदा हो रहा है वो ऊपर वाले का नाम नहीं ले रहा ना उसकी जरूरत समझ रहा है, चाहे वो कोई सा ही समाज हो, कोई सा ही कोई भी समाज हो, जो पैदा हो रहे हैं ना हमारे आज के युवा और बच्चे वो ऊपर वाले का नाम नहीं ले रहे, हाँ एक चीज जरूर देख रहे हैं, वो अपने मोबाइल में ऐसे बदलते रहते हैं, कहीं लक्ष्मी का मंत्र चल रहा है, कहीं सरस्वती का, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, वो उसको सुन के खुश तो रहते हैं, या सवेरे दो भजन चला लेते हैं काम करती हैं तो बहन जी, लेकिन ये भक्ति नहीं है, भक्ति तब होती है जब हम भगवान की जरूरत समझें, ठीक है, स्त्री को पति की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है, ठीक है, जब हम बच्चा नहीं होता है तो झोली लेके जैसे दर दर पे जाते हैं ना, और बच्चे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता समझते हैं, ऐसी आवश्यकता हमें भगवान की भी होनी चाहिए, तब ही हम ऊपर जाएंगे, जब हम ऊपर वाले की इच्छा करेंगे, ईगर हो जाएंगे उसके लिए, बहुत गहन इच्छुक हो जाएंगे, और उसके लिए रोएंगे ऐसे कि जैसे जब किसी की संतान मर जाती है तो गला सूख जाता है, आंसू सूख जाते हैं, ठीक है, हिचकियाँ आती हैं, ठीक है, सो नहीं पाता आदमी, संतप्त हो जाता है, निद्रा भाग जाती है, भूख प्यास मिट जाती है, ऐसे, और जब इतनी इच्छा होगी तो ईश्वर मिल जाएंगे, तभी हम ऊपर जा पाएंगे, उससे पहले ना तो हम ऊपर जा रहे
और ना हमें ऊपर वाला मिल रहा है, और हम यहाँ एक फॉर्म में रहते हैं, और वो फॉर्म जो है वो एक काला गोला है जिसमें हमारा मन बुद्धि अहंकार यानी कि चित्त केवल मलिनता से भरा हुआ है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, और इसकी पुष्टि तब तक नहीं हो सकती जब तक हम बीज मंत्रों का जाप नहीं करते। चाहे गणेश जी का जाप करें, चाहे दुर्गा जी का जाप करें, चाहे अपने किसी भी इष्ट का जाप करें, नहीं समझे आप? और जब इष्ट का जाप ही नहीं किया, कोई एक नाम आपने साधा नहीं, तो कुछ नहीं मिलता इस संसार में। ये मैंने देख लिया, किसी एक तत्व को आपको पकड़ना ही पड़ेगा, चाहे ओम नमः शिवाय ओम ही जाप क्यों ना करो, करते रहो लेकिन उसको इच्छुक होके और बहुत गहनता से करो, तब आपको मिलेगा। कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज हो, उनका जो भी इष्ट है, हमने उसको ईश्वर समझ लिया और ईश्वर ने उसको ये उपाधि दे दी कि वो अब ईश्वरी है। ईश्वर उसको उपाधि दे देता है। भगवान कृष्ण इसलिए कहते हैं, तू जहाँ श्रद्धा करेगा मैं तेरी श्रद्धा वहीं नियुक्त कर दूंगा। ठीक है, सब आखिरकार मेरे को मिल रहा है, फिर यही तो कहते हैं लास्ट में कि सब आखिरकार मेरे को ही मिल रहा है, लेकिन तू जहाँ श्रद्धा करेगा, अगर तू प्रेतों को पूजेगा तो मैं प्रेत को मिला दूंगा, तू किसी भूत को पूज रहा है, कोई मर गया है तेरा चाचा ताऊ और वो ऊपर गया नहीं है, वो नीचे ही है, वो देवता बनानी है या देवता बन चुका है, तो तू उसको भी पूजेगा, मैं तुझे वो भी दे दूंगा, ठीक है, वही तेरी श्रद्धा स्थापित कर दूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोग पितरों को पूछते हैं, वो पितरों को ऊपर जाने ही नहीं देते, उनका मोह कर लेते हैं, अब वो याद करते ही उनको आना पड़ता है, अगर वो प्रेत रूप में है तो भी आना पड़ेगा, देव रूप में है तो भी आना पड़ेगा, और देव रूप में क्या है, देवता तो ऊपर रहते हैं, तो वो नीचे ही रह गया, तो वो दोनों के बीच का हो गया, ना तो देवता रहा ना मानव रहा, आगे ना प्रेत रहा ना देवता रहा, तो ना तो प्रेत है ना देवता है, लेकिन आप लोगों के काम कर सकता है। कोई महात्मा है, भजन कर रहा है, और वो कई बार अपनी इच्छा से नीचे रह जाता है भूमि पे लोगों की सेवा करने के लिए, ऐसे बहुत सारे महात्मा, फिर वे लोगों में घुस के उनको प्रेरणा देते हैं, भाई तुझे ये है, तुझे ये है, तुझे ये है, फिर उनको बताते हैं आप ऐसे भजन करोगे तो तब तक ठीक हो जाओगे। इसमें उनकी गलती नहीं है, ठीक हो जाओगे ये निश्चित भी नहीं है, लेकिन वो ऐसा अनुमान लगाता है कि इसको ये समस्या है, क्यों? क्योंकि वो एक बहुत शुद्ध भौम है, सूक्ष्म भूम है, और ये 3 साल बाद अगर आज से जपना चालू करेगा भगवान का नाम, 3 साल बाद ये ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, हमें अपने रोगों को, कष्टों से मुक्ति पाने के लिए अपने पितरों को तो शांति देनी ही देनी पड़ेगी, तो तब बोलना पड़ेगा पितरा नाम शांत शांत मुक्त मुक्त है, उद्धार है उद्धार है, शरण्य शरण्य, ऐसे तो पितर की, पितर को देवता की शरण भी मिले, उनका उद्धार भी मिले, उनकी मुक्ति भी हो, उनको शांति भी मिले, इस प्रकार से हमें पितरों के लिए काम करना पड़ेगा, और हमें खुद को करना पड़ेगा। कोई ये सोचे सारा काम मनु भैया कर देंगे, ऐसे नहीं है, और तुम खुद तब करते हो जब खुद रोजाना जाप करते हो। कौन कौन जाप नहीं करता, हाथ उठाए जरा, ये नहीं करती बाकी सब करते हैं। ये 2 आदमी नहीं करते भाई, बाकी सब करते, ये सब करते हैं, बाकी ये करती है तो इस पे दबाव पड़ जाता है, प्रेत है, इसने अपनी बात सच्ची कह दी। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। क्या नाम था जिनकी डेथ हुई थी? दीपक। अच्छा, ऐसी सीधी घटना।